देखिए तो माय डियर स्टूडेंट, इशू ऑफ शेयर का ये दूसरा क्लास है, और एक्चुअली अगर आप कहिए तो ये पहला क्लास है, क्योंकि मेन टॉपिक आज ही पढ़ने वाले हम लोग। भाइयों और बहनों, सेमेस्टर 5 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इशू ऑफ शेयर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे, जो कि 10 मार्क्स का कंपलसरी आपका एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, नहीं आने का कोई बात नहीं है, आएगा मतलब आएगा। भाइयों और बहनों, एक बार स्टार्टिंग से बताते हैं, शॉर्ट में देखिए, कंपनी को करोड़ों करोड़ों रुपया चाहिए, और वो करोड़ों करोड़ों रुपया एक आदमी के लिए देना पॉसिबल है नहीं। कंपनी उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटता है, उसका नाम क्या है? शेयर। लेकिन कंपनी जो है ना, कंपनी आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत, इसीलिए कंपनी वो शेयर का पैसा भी एक बार में नहीं लेता है, वो शेयर का पैसा भी कंपनी एक बार में नहीं लेता है, शेयर का पैसा को भी कंपनी तोड़ देता है। मतलब बात तो इंटरेस्टिंग है। देखिए, जैसे सपोज कंपनी को 500 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ कंपनी किसी एक आदमी से नहीं ले रहा, कंपनी क्या कर रहा, पार्ट पार्ट में बांट दे रहा। बोला एक शेयर उधर से चल जाएगी ना, बोला एक शेयर का दाम, देखिए एक शेयर का दाम 10 रुपया, कितना रुपया बताइए? 10 रुपया। एक शेयर का दाम कितना रुपया बताइए? 10। कंपनी क्या करता है बोले तो, 10 रुपया भी एक आदमी से, मतलब एक बार में नहीं लेता है, कंपनी 10 रुपया को भी तोड़ देता है। क्या कर देता है बताइए? तोड़ देता, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में तोड़ देता है। कंपनी को करोड़ों करोड़ों रुपया चाहिए, कंपनी करोड़ों करोड़ों रुपया को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर। और मान लीजिए कंपनी फिक्स किया कि एक शेयर का दाम है 10 रुपया, कितना रुपया बाबू? 10। ये 10 रुपया भी कंपनी एक बार में नहीं लेता है, ये 10 रुपया को भी कंपनी ना तोड़ देता है। क्या कर देता है बाबू? तोड़ देता है। और पहला इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं बाबू? सम्स तो बनाएंगे ही, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट समझिए। पहला इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? बोलिए एप्लीकेशन। बोलो ना, प्लीज बोलिए बाबू। दूसरा इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? तीसरा इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। और चौथा इंस्टॉलमेंट को हम लोग सेकेंड कॉल बोलिए, चाहे फाइनल कॉल बोलिए। आप लोग ये सब चीज बचपन में भी सुने होंगे, बात समझे ना। और देखिए, 10 रुपया कंपनी को चाहिए, कंपनी 10 रुपया भी एक बार में नहीं लेगा। पहला इंस्टॉलमेंट को क्या बोलोगे? एप्लीकेशन। दूसरा इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट। तीसरा इंस्टॉलमेंट को, चौथा इंस्टॉलमेंट को, पहला को, दूसरा को, तीसरा को, और चौथा को। समझ रहे हो ना? तो जल्दी बताइए, आज कॉपी में हेडिंग दे दीजिए जर्नल एंट्रीज। अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगे वो हम लोग आज करेंगे। तो कॉपी में हेडिंग दे दीजिए जर्नल एंट्रीज। चलिए रेडी? तो पहले एकदम कॉन्सेप्ट खाली सुनिएगा, समझिएगा बस, और कुछ नहीं, बहुत ईजी लगेगा आपको। रेडी? देखिए बाबू, कंपनी 10 रुपया एक बार में लेता है क्या कि तोड़ के लेता है? बोलिए, एक बार में कि तोड़ तोड़ के, जिसको बंगला में हम लोग बोलते हैं धाप धाप। कैसे बोलते हैं? यस, ब्रेक कर करके। कैसे लेता है कंपनी बताइए? ब्रेक। कंपनी एक बार में लेता है, वो एट अ टाइम कंपनी ले लेता है, जैसे हम लोग ट्यूशन का फीस भी हम लोग तोड़ तोड़ के ले रहे स्टूडेंट लोग से, वैसे यहाँ पर भी क्या करता है कंपनी? एक बार में नहीं लेता है, कंपनी 10 रुपया को भी ब्रेक कर देता है। पहला इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। दूसरा को, तीसरा को, चौथा को, और हर सिचुएशन का अलग अलग जर्नल एंट्रीज है। किस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्रीज होगा वो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और आज सिर्फ जर्नल एंट्रीज हम लोग लिखने जा रहे हैं। अलग अलग सिचुएशन का जर्नल एंट्रीज आपको आज लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि एंट्री क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अगला दिन इसके ऊपर सम्स बनाएंगे। रेडी गाइस? सबसे अच्छा, तो सबसे पहला जर्नल एंट्री किसका होने वाला है बताइए? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री सबसे पहले पास करना होगा आपको। एप्लीकेशन में भी दो एंट्री, एप्लीकेशन में जो भी एंट्री होगा ना, एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, यहाँ पर जब भी एंट्री होगा कपल एंट्री होगा बाबू। कैसा एंट्री? क्या क्या पढ़ा रहे सर? कपल एंट्री। कैसा एंट्री बताइए? कपल एंट्री। कपल मतलब गलत मत समझिए, कपल मतलब जोड़ा में एंट्री होगा। यहाँ पर जब भी एंट्री मारोगे, एक एंट्री मारोगे कि दो? एप्लीकेशन में कितना एंट्री होगा? दो। अलॉटमेंट में कितना एंट्री होगा? दो। फर्स्ट कॉल में भी कितना एंट्री होगा? दो। फाइनल कॉल में भी कितना एंट्री होगा? दो। तो बताइए हर एक सिचुएशन में, यहाँ पर जो सिचुएशंस चारों मैंने बताया आपको, इसमें एक एंट्री करके होगा ना, दो एंट्री करके होगा? एक की दो, एक की दो। और एप्लीकेशन में पहला जो एंट्री होता है वो होता है पैसा रिसीव करने का। सम्स के साथ नरेशन भी आएगा, जब सम्स बनाएंगे तो नरेशन लिखेंगे। रिसीव करने का एंट्री पहले मारेगा, क्वेश्चन में इतना खोल के नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा एप्लीकेशन मनी 2 रुपया। तो एप्लीकेशन में कितना एंट्री होगा ये आपको खुद समझना होगा। तो बताइए एप्लीकेशन में कितना एंट्री मारते? बोलो ना, प्लीज बोलिए। दो। उसमें पहला एंट्री किसका होगा? रिसीव। और रिसीव का जनरल एंट्री होता है भाइयों और बहनों बैंक अकाउंट डेबिट,
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये सब 12 में भी सुने होंगे, यहां पर भी वही सुनोगे लेकिन थोड़ा एडवांस सम्स है बस, कोई दिक्कत। दूसरा एंट्री होगा भाइयों बहनों ट्रांसफर करने का, किसका बोलो ट्रांसफर, दूसरा एंट्री होगा ट्रांसफर का। ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा बाबा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या बाबू कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत है बताइए। एप्लीकेशन जल्दी बताइए, कोई एकदम रट्टा नहीं, अभी कोई उतारना मत प्लीज, समझो पहले समझना जरूरी। बताइए कंपनी पूरा पैसा है एक बार मिलेगा ना तोड़ तोड़ के, पहला इंस्टॉलमेंट को क्या बोलोगे, सेकेंड वाला को, थर्ड वाला को, फोर्थ वाला को, फाइनल को। अब जरूरी नहीं है फोर्थ सिचुएशन होगा, कोई कोई सम्स फर्स्ट कॉल में ही खत्म हो जाएगा, तो वही फर्स्ट हो गया वही फाइनल हो गया, वो जैसा आएगा। अभी हम लोग अलग अलग सिचुएशन का एंट्री आपको बता रहे हैं। भाइयों और बहनों एप्लीकेशन में कितना एंट्री मारोगे, एक की दो, बोलो ना कम ऑन, दो एंट्री मारोगे तो पहले किसका एंट्री मारोगे बोलिए, फिर किसका मारिएगा, रिसीव का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत। तो जल्दी बताइए एप्लीकेशन में एक एंट्री होगा कि दो, मेन में देखिए एंट्री तो आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, मेन हमको नॉलेज क्लियर चाहिए क्योंकि सेम फाइव में एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई है। जल्दी बताइए रिसीव का एंट्री क्या होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोलने में अगर आपको तकलीफ हो रहा तो आप शॉर्ट में उसको बोलेंगे ईसा, क्या बोलेंगे ईसा, बैंक टू ईसा, बैंक टू क्या बाबू ईसा, नौजवान है आप लोग तो आप लोग को ये सब नाम शॉर्ट नाम ज़्यादा याद रहता है, बैंक टू ईसा, बैंक टू ईसा, बैंक टू ईसा, ई एस ए ईसा, ठीक है। और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रिसीव का एंट्री, और ये किसका एंट्री बाबू ट्रांसफर, छापिए अब छापिए, जैसे हमने लिखा वैसे लिखोगे हाँ, आप ऐप में ऐड हो गए हो ना, ऐप में ऑल वीडियोस दिखा रहा ना आपको, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में तो ग्रुप में हम लोग भेजेंगे, और हार्ड कॉपी के लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज देना होगा। बाबू बात मत करिए ना इतना, भेज देंगे बाबू। तो अब तो सेम टू का एग्जाम खत्म होने वाला है, सेम थ्री में ज्वाइन करिएगा मेरे पास। ঠিক আছে এক দুদিন টাইম সময় দাও আমরা পাঠিয়ে দেব, চলে গিয়া তো বাবু অ্যাপ্লিকেশন কা এন্ট্রি তো হো গিয়া, আব আপ ধ্যান দিজিয়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে পিডিএফ বাবু ভেজ দেঙ্গে শাম তক। বাবু ইধার দেখিয়ে অ্যাপ্লিকেশন কা এন্ট্রি সমঝ গিয়া না, পহলে কিসকা এন্ট্রি মারা হোগা, অ্যাপ্লিকেশন, অ্যাপ্লিকেশন মে ভি পহলে কিয়া মারোগে রিসিভ, ফির কিয়া মারোগে ট্রান্সফার, ক্বেশ্চন ওয়ালা ইতনা খুল কে নাই বলেগা কি তুমি পহলে রিসিভ মার লো ফির ট্রান্সফার মার লো, তো ক্বেশ্চন কুছ বচেগা হি, आपको खुद समझना होगा पहले क्या होगा रिसीव फिर क्या होगा ट्रांसफर, कोई दिक्कत। अब आते हैं एप्लीकेशन के बाद किसका एंट्री होगा बाबू, अलॉटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, अलॉटमेंट का मतलब शेयर को बांट देंगे कि हाँ भाई आपको शेयर दे रहे, अलॉटमेंट का दाम वाम तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो सम्स बनाएंगे तो देखोगे एंट्री क्या होगा। तो अलॉटमेंट का जनरल एंट्री जो होगा ना बाबू उसमें अलग है, उसमें पहले एंट्री होगा ट्रांसफर का, फिर एंट्री होगा रिसीव। देखो क्रोनोलॉजी को याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस को याद रखिएगा,
एप्लीकेशन में पहले क्या होगा बाबू? रिसीव। फिर क्या होगा? ट्रांसफर। अलॉटमेंट में पहले क्या होगा? फिर क्या होगा? तो सर ट्रांसफर का एंट्री याद करना होगा? नहीं, अभी आप जो एंट्री की हो, क्या एंट्री की हो बोलो? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की हो ना, बस नाम बदल दो ना, अलॉटमेंट कर दो यार। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ नाम बदल दो ना। क्या बदल दो? नाम। कंपनी कितना प्यार करता है हम लोग से, एक बार में पैसा नहीं ले रहा, तोड़ तोड़ के पैसा ले रहा। अच्छा देखो, रिसीव का एंट्री अभी क्या किए थे देख के बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किए थे ना। ओनली यू विल चेंज द नेम। देखो नाम के लिए सुनो, कॉपी में बोलने के लिए हम लोग चार एंट्री लिख लिए, लेकिन एक्चुअली हम लोग कितना एंट्री लिखे? दो। खाली आपको सीक्वेंस याद रखना, जल्दी बोलिए। एप्लीकेशन में पहले क्या होगा? रिसीव। फिर क्या होगा? अलॉटमेंट में पहले क्या होगा? फिर पहले, फिर पहले, फिर याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। उतारी देखिए, नाम के लिए चार एंट्री लिखे, लेकिन एक्चुअली कितना एंट्री लिखे? दो। बाबू गिर जा रहे हो। अच्छा बाबू का फोन गिर जा रहा है। अच्छा ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स हम आपको, मेरा जीके जैन फैमिली टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप देखो, आपको नोट्स दिख जाएगा। ठीक है बाबू, सेम थ्री का, सेम टू का, सॉरी। और नहीं तो आप रात में मैसेज करना, हम आपको पर्सनली भेज देंगे। ठीक है, ओके। पुराना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आराम से उतारो। बाबू नंबर बोलिए एक बार, 9490621738। बाबू नंबर बोलिए एक बार, मोबाइल नंबर, एक सेकेंड, 6289349698। कर दिया बाबू, गर्ल्स वाला है। हो गया सब ऐड, आप ऐड हो गए हो ना। चलो आओ देखो, सुनो, अलॉटमेंट हो गया, देखे ना, खाली मैजिक होगा। अलॉटमेंट के बाद क्या होगा बाबू? फर्स्ट कॉल। बट सुनिए ना, किसी को बोलिएगा मत, फर्स्ट कॉल में सेम एंट्री होगा। पहले क्या होगा? ट्रांसफर। फिर क्या होगा? रिसीव। बस खाली अलॉटमेंट का जगह पे क्या लिखेंगे? ओ माई गॉड, लेकिन आपको पूरा लिखना है कॉपी में। आप भी मत ऐसे लिख दीजिएगा सेम एज अबव, अभी नहीं, इसे लिखने का है कॉपी में फर्स्ट कॉल। देखिए कोई चेंजेस हुआ? रटिए मत, समझिए। देखिए फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या होगा बाबू? सेम। पहले किसका एंट्री मारोगे? ट्रांसफर। फिर क्या मारोगे? रिसीव। खाली क्या चेंज कर दोगे? नाम। तो नाम के लिए अभी हम 6 एंट्री करा दिए, लेकिन एक्चुअली कितना एंट्री कराए? दो। ये दो एंट्री पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज रात में ही पेमेंट कर देंगे। ठीक है दादा, ओके। आप सब्जेक्ट लिख के भेज दो, कौन सा सब्जेक्ट है बाबू? नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट, कितना पेमेंट किए वो लिख के भेज दीजिए। प्ले स्टोर में आइए, जीके जी ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए। ठीक है, आपको ऐड कर देंगे। नो दैट्स अ ऑनलाइन क्लास, यू कैन वॉच इट व्हेनेवर यू वांट एज पर योर कंफर्ट। दैट विल स्टे इन द ग्रुप टिल द एग्जाम।
ओके ओके ठीक है बाबू, ये दोनों क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक बाकी कर लियो ना, चले क्या? रेडी, फर्स्ट कॉल हो गया, अब देखते हैं फाइनल कॉल का एंट्री क्या होगा। भाइयों और बहनों किसी को बोलना मत, फाइनल कॉल का एंट्री भी सेम होगा, सेम एंट्री सेम, खाली फर्स्ट के जगह क्या लिखेंगे? फाइनल। देखो नाम के लिए 8 एंट्री पढ़ा दिए लेकिन काम के लिए कितना एंट्री था? 2। फाइनल कॉल लीजिए, समझे? उतार लीजिए, आप लोग पहले बना लिए क्या? कॉपी करिए, उसी सीक्वेंस में करिएगा जैसे हम कर रहे हैं। बाबू इसमें मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए, ठीक है? मोबाइल नंबर आपने नहीं डाला है, मोबाइल नंबर भी डाल दो, ठीक है? नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट्स, ऑनर्स की जनरल, मोबाइल नंबर, ये सब मेंशन करिए, नहीं तो फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा। चले क्या? बाबू देखिए 8 एंट्री आपको लिखवा चुके हैं, ये 8 बेसिक एंट्री है जो आपको आना चाहिए। पहले हमको जवाब दीजिए, कंपनी एक बार में पैसा लेगा ना तोड़ तोड़ के? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हो? दूसरा को? तीसरा को? चौथा को? यस भाइयों बहनों, एप्लीकेशन में पहले क्या एंट्री होगा? एंट्री क्या होगा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं हम लोगों को। पहला सिचुएशन क्या होगा? रिसीव, फिर उसके बाद से जितना सिचुएशन है सब में पहले ट्रांसफर, फिर क्या? रिसीव। इतना लाइन याद नहीं रहेगा आपको, इतना खराब हो आप, जल्दी बताइए। हेलो, एप्लीकेशन में पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, उसके बाद से जितना सिचुएशन है सब में पहले ट्रांसफर फिर रिसीव, कोई दिक्कत? भाइयों और बहनों ये था पूरा 8 एंट्री बेसिक एंट्री। तो सर इतना से सम्स बना लेंगे? नहीं, आप लोग का लेवल में सम्स इतना एंट्री से तो बनेगा ही नहीं। 11-12 में जो हम लोग पढ़ाते हैं इतना पे छोड़ देते हैं, उसके बाद सम्स कराते हैं, उसके बाद फिर एंट्री कराते हैं, बट आप लोग के लेवल में इतना एंट्री से सम्स नहीं बनेगा। काहे बोलिए? काहे कि तो बेसिक एंट्री 8 ये 8 एंट्री थोड़ी, 2 एंट्री हुआ, बताइए 8 एंट्री की कि 2 एंट्री की? 2 एंट्री की, खाली ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा बस। तो बताइए एप्लीकेशन में पहले क्या होगा? रिसीव, फिर क्या होगा? ट्रांसफर। अलॉटमेंट में? ट्रांसफर रिसीव, फिर कॉल में? ट्रांसफर रिसीव, फिर फाइनल कॉल में? ट्रांसफर रिसीव। अब थोड़ा अलग अलग सिचुएशन में चलते हैं, बहुत एंट्री है, जितना एंट्री से हम लोग सम स्टार्ट कर पाएंगे उतना आपको पहले कराते हैं। भाइयों और बहनों कोई बंदा पैसा नहीं देता है, कोई बंदा अगर पैसा नहीं देता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। आप मांगते तो हो पर देता नहीं है, पैसा का बात हो रहा भाई, आप पैसा मांग रहे हो पर वो दे नहीं रहा पैसा। यू आर सपोज टू गेट द मनी बट यू आर नॉट गेटिंग द मनी, पैसा मांग रहे हो पर देने नहीं मांग पाते हो, पर देता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिससे आप पैसा पाते लेकिन देने नहीं मांगते, इसको बोलते हैं क्या पता है? कॉल्स इन एरियर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज ड्यू बट नॉट पेड। लेकिन क्या है ना, थ्योरी पूछेगा ही नहीं आपसे, ये कैपिटल का वो पार्ट है जो हम पाते तो है पर हमको दिया नहीं है, और नहीं दिया तो क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। अगर मान लीजिए कोई बंदा फाइनल कॉल में फेल कर गया, मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल, तो उसका एंट्री क्या होगा? क्या उसका नॉर्मल एंट्री होगा या फिर एंट्री चेंज होगा? तो अगर कोई बंदा फेल कर जाएगा ना तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। हो सकता है कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हो सकता है कोई फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, हो सकता है कोई फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, कुछ भी तो हो सकता है। नॉर्मली एंट्री क्या होगा? अगर कोई बंदा पैसा नहीं देगा तो नॉर्मली एंट्री क्या होगा, वो एंट्री आपको लिखाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, आप अभी मत उतारना, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, ड्यू बट नॉट पेड, सिंपल। रिसीव भी लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना इंग्लिश है। ड्यू बट नॉट पेड मतलब आप पाते हो मांगते हो लेकिन देता, कॉल पे कॉल मार रहे, फोन पे फोन कर रहे, बेटा फोन ही नहीं उठा रहा, नंबर बंद कर दे रहे, नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली स्विच ऑफ। पैसा देने टाइम में तो आदमी ऐसी हरकत कर देता है,
किसी से आप ऐसा पाइएगा तो बेटा ऐसे हरकत कर दे, समझे ना, ड्यू बट नॉट पेड। स्पेशली फ्रेंड्स लोग को तो पैसा देने का नहीं है, वापस तो मिलेगा नहीं, और वो भी कम पैसा तो एकदम मत दीजिए ना, 10 रुपया है तुम्हारे पास तो वो 10 रुपया आप कब मांगोगे, पता 10 रुपये मांगने में भी अच्छा नहीं लगता है, देता भी दिए दोस्त लोग, अपना एक तो जमीर है ना उसका मर गया है, ड्यू बट नॉट पेड, समझे दोस्त लोग तो आज तक पैसा नहीं दिया, ड्यू बट नॉट क्या वो पेड। अच्छा मान लीजिए फाइनल कॉल में फेल कर गया, मान लीजिए एंट्री क्या हो, फाइनल कॉल में फेल हो गया तो मान लीजिए उसका एंट्री होगा, सारा एंट्री सेम होगा, बस रिसीव का एंट्री मैंने चेंज हो जाएगा। रिसीव का एंट्री क्या हो जाएगा अगर कोई फेल कर जाते हो, कोई फेल करने से रिसीव का एंट्री चेंज हो जाएगा, रिसीव का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये अलग अलग सिचुएशन का एंट्री लिखवा रहे जो अगले दिन सम्स पे काम आएगा। टू इक्विटी शेयर, सपोज फाइनल कॉल में फेल किया तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, समझे, कॉल्स इन एरियर होने से सम्स में कौन सा एंट्री में चेंज होगा बताइए, रिसीव का एंट्री, और रिसीव का एंट्री कैसा रूप ले लेगा, कैसा फॉर्मेट में चला जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। एक डेमो देते हैं आपको, सपोज मान लीजिए हम 10 रुपया आपसे पाते थे, सपोज आप हमको 3 रुपया नहीं दिए तो उसको किसके सामने लिखेंगे, कॉल सीन एरियर, और कितना रुपया दे दिए, 7, तो उसको कहाँ लिखेंगे, बैंक के सामने। अमाउंट वाला जो फंडा है ना वो सम्स के साथ करेंगे तो बेटर समझ पाएंगे आप, अभी सिर्फ एंट्री समझ लीजिए कि अगर कोई फेल कर जाएगा तो रिसीव का एंट्री क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में फेल किया तो फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल में फेल किया तो फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट में फेल किया तो अलॉटमेंट, यस नो गाइस, कॉपी करी। ऑल वीडियोज में देखिए बाबू दिखेगा, हम मांग के भेज देंगे बाबू, चिंता मत करिए। मैसेज करो बाबू, को पढ़ा रहे ना, कॉल उठा नहीं पाएंगे, आपका जनरल है ना, ठीक है, भूख वाला फोन करो, खड़ी चले, कॉल सीनियर बाबू समझ गए ना क्या होता है। तो देखिए ये सब एंट्री एक साथ ऑर्गेनाइज होके हम लोग सम्स बनाएंगे, लेकिन कब कौन सा एंट्री होगा, हर एंट्री के साथ नरेशन होगा, कैसे सम्स बनाएंगे तो सम्स का पार्ट है, अभी बस नोट्स रेडी कर रहे हो आप, क्लियर है गाइस। इधर देखिए, अचानक से एंट्री हम उसी मानने लग जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए रटाना जैसा हो जाता, इसीलिए पहले एंट्री समझाते रहे। देखिए बाबू हो गया क्या यहाँ तक, अच्छा अगर कोई बंदा फेल नहीं किया, सॉरी फेल कर गया, अगर कोई बंदा पैसा नहीं दिया तो वहां से एक और सिचुएशन जन्म लेता है। पैसा अगर आप नहीं दोगे, जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए ये एसी हम खरीदे और 12 इंस्टॉलमेंट देने का था, मतलब 12 महीना हमको पैसा देने का था, हम क्या किए, हम आप लोग से पूछते हैं, हम 8 इंस्टॉलमेंट एसी का पे किए, 4 इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए। दुनिया का एक चरित्र में खराबी है, दुनिया में जितने लोग हैं उनके चरित्र में एक खराबी है, चाहे वो आप हो हम हो कोई भी व्यक्ति, कि अगर आप सुबह से शाम तक 10 अच्छा चीज़ करिएगा आदमी नहीं देखेगा, जो आप खराब चीज़ करिएगा आदमी उसी को देखेगा। ये बात आपको पहले से भी पता था, हम बस अपना हिसाब से बता दिया। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, 8 इंस्टॉलमेंट आप दे दिए डज नॉट मैटर, कितना इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, 4, जो इंस्टॉलमेंट नहीं दिए कंपनी का नज़र उसका ऊपर पड़ेगा, कंपनी वाला बोलेगा बाबू 4 इंस्टॉलमेंट बाकी है टाकड़ा दाओ, मैं कॉल करेगा कंपनी फोन नहीं उठाएंगे, मैसेज करेगा मैसेज में रिप्लाई नहीं, बस मेरे ब्लॉक कर देगा, भाग जाएंगे इधर से। सीन क्या है, तो कंपनी वाला लोग इरिटेट होकर के लास्ट में क्या करेगा, जो हम 8 इंस्टॉलमेंट पे किए उसका पैसा रख लेगा,
और एसी भी छीन के लेके चला जाए। ये जो पूरा प्रोसीजर है ना जो आपको बताया कि वेन यू फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट्स, आपके साथ ऐसा ही होता है। अब बाइक खरीदिए, बाइक में भी ऐसा होता है। सपोज बाइक खरीदे आप, 36 महीना का इंस्टॉलमेंट है, 34 टू इंस्टॉलमेंट आप दे दिए, 34 टू इंस्टॉलमेंट, 34 इंस्टॉलमेंट्स, कंपनी नहीं देखेगा। जो दो टू इंस्टॉलमेंट नहीं दिए उसके लिए कंपनी आपका साथ एकदम जो हालत बोली वो कर दे। कंपनी क्या से क्या नहीं कर देता है। रास्ता से ट्यूशन का बाहर बाइक लगाएगा, बाइक छीन के लेके चला जाएगा, गाड़ी लेके आएगा, उठाएगा, गाड़ी लेके चला जाएगा। उसका पास अथॉरिटी है, लॉ में उसको अथॉरिटी मिला है। तो इसको कंपनी में भी ऐसे ही होता है। सपोज आप एप्लीकेशन का पैसा दिए, आप अलॉटमेंट का भी पैसा दिए, आप फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिए, आप फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिए, कंपनी आपको फ़ोन कर रहा, मैसेज कर रहा, नोटिस दे रहा, आप रिप्लाई ही नहीं दे रहे। कंपनी गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया, अब कंपनी आपका शेयर को कैंसिल कर देता है। और जो पैसा आपसे कंपनी को अभी तक मिला है वो पैसा कंपनी अपना पास रख लेता है। और इस पूरा प्रोसेस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉर फीचर। क्या बोलते हैं अबू इंग्लिश में? आप बोल रहे सुनिएगा, फॉर फीचर इज द प्रोसेस ऑफ कैंसिलिंग द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड नॉन रिटर्निंग ऑफ द मनी रिसीव फ्रॉम देम सो फार। जो शेयर होल्डर है वो लोग का पैसा बाकी है भाई, आप पैसा नहीं दिए, तो पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका शेयर हम क्या करेंगे, छीन लेंगे। क्या करेंगे? ये छीनने का प्रोसेस को क्या बोलते बताइए? फॉर फीचर, फॉर ये इंग्लिश है, उसका कंपनी लॉ का अपना लैंग्वेज है। फॉर फीचर मतलब शेयर कैंसिल। अच्छा, शेयर कैंसिल कब होगा? जब पैसा दे दोगे कि नहीं दोगे? आप सोच के बोलो, दे दोगे कि नहीं दोगे? बोलो ना, चुप मत बैठो भाई। यस, नहीं दीजिएगा तो छीनेगा आदमी लोग, क्योंकि कैंसिल तो तभी होगा जब यू फेल टू पे। तो बताइए फॉरफीचर कब होता है? व्हेन पेमेंट इज मेड और पेमेंट इज ड्यू, पेमेंट इज ड्यू, ड्यू बट नॉट पेड, नहीं दे रहे हो पैसा, हरकत खराब है आपका। अब आपका सब खेला होगा, क्या होगा खेला? और यहाँ पर खेला का नाम क्या है? फॉरफीचर, फॉर यस, क्या होगा आपका साथ? खेला। देखिए जमीला नहीं जी, खेला फॉर फीचर, झमेला क्या करोगे? कंपनी का भाषा में मारपीट नहीं होता है। इधर देखिए, फॉर फीचर का बगल में हम लिख दे रहे एक वर्ड में, थ्योरी तो पूछेगा नहीं। देखिए, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, क्यों क्यों कैंसिल कर रहे हो भाई? ड्यू टू पेमेंट या नॉन पेमेंट? नॉन पेमेंट। अगर पैसा दे देते तो आज इस हालत में होते? आज आपके साथ जो ये हो रहा है, ये जो नौबत हुआ है आपके साथ, क्यों हुआ है? हरकत ठीक नहीं, हरकत ठीक नहीं, पैसा देने नहीं मांग रहे हो भाई। अच्छा सुनो ना, अभी उतारना मत, इसका एंट्री ध्यान से सुनना, इसका एंट्री थोड़ा बॉम्बेस्टिक है। इसका एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, थोड़ा जगह छोड़ देंगे, टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन, ये नॉर्मल एंट्री है। अब इसके अलावा अगर प्रीमियम वाला सम्स रहेगा, वो सब अलग अलग केसेस आएगा, वो बात का बात है। पहले भी नॉर्मल एंट्री हम लोग लिख रहे बाबू, ऐसा नहीं कि यही एंट्री है, ये नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल सिचुएशन। कॉल सीन एरिया टू फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर्स, देखिए एंट्री ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब अगला दिन सम्स बनाएंगे हम बोलेंगे अच्छा फॉरफिटर का एंट्री बोली, तो आप क्या बोलोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरिया अकाउंट क्रेडिट, एंड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, एक बार अमाउंट का कॉन्सेप्ट इसमें बताते हैं आपको। इसके सामने क्या अमाउंट लिखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितना शेयर आप कैंसिल किए, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सा वैल्यू बताइए दादा? ये कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है? कॉल्ड अप वैल्यू मतलब जो आप मांगे हो, जो आप क्वेश्चन में ना मेंशन किया रहेगा कॉल्ड अप वैल्यू। एंड इफ कॉल्ड अप वैल्यू इज नॉट गिवन, देन फेस वैल्यू लीजिएगा। कौन सा वैल्यू लीजिएगा? वो सब सम्स बनाएंगे ना तो ये आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे ये लाइन को। आप ये जो हम बोल रहे हैं ना, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये लैंग्वेज आप ज़्यादा अच्छा से समझ पाइएगा जब अगला दिन हम सम्स करेंगे। अभी आप फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला समझ लीजिए, क्योंकि बाद में कभी खुद से बनाओगे तो काम आएगा। कितना शेयर कैंसिल किए वो लिखोगे, इनटू क्या कॉल्ड अप वैल्यू लिखोगे। कॉल्ड अप वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि 99% सम्स में कॉल्ड अप वैल्यू नहीं रहता है, तो आप कौन सा वैल्यू लीजिएगा? फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू लीजिएगा? ये बात आपको अभी हम लिखवा देंगे नोट में, चिंता मत करें। तो इसका सामने ये अमाउंट चला जाएगा। उसके बाद कॉल सीन एरियर के सामने क्या अमाउंट लिखते हैं? कॉल सीन एरियर के सामने वो अमाउंट लिखते हैं जो पेड नहीं होगा, नॉट पेड। जो पेड नहीं होगा उसका अमाउंट इसके सामने लिखोगे, अगला दिन लिख के दिखाएंगे सम्स में। और जो पैसा मिल गया उसको किसके सामने लिखोगे? फॉरफिटेड शेयर्स पेड अप वैल्यू, मतलब जो पैसा आपको मिल गया है उसको किसके सामने लिखोगे? फॉरफिटेड शेयर। एक डेमो देते हैं आपको, मान लीजिए सपोज 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये इधर लिख दिए, 4 रुपया नहीं दिया, 4 रुपया इसके सामने लिख दीजिए।
तो कितना दे दिया? बोलो ना। अच्छा अगर 2 रुपया नहीं दिया तो दे कितना दिया? अच्छा अगर 1 रुपया नहीं दिया तो दे कितना दिया? 9। यस नो गाइस? हाँ कि नहीं? बोलो। और ये और अच्छे से आप समझ पाओगे जब हम लोग सम्स करेंगे, क्योंकि कुछ ही ऐसा होता है जो थ्योरेटिकली नहीं समझ पाएंगे। समझ गए? बट और अच्छा से समझना है, पानी करना है, तो उसके लिए आपको एक दिन और आना होगा, शुक्रवार को आना हो। आओगे ना? एक मिनट रुको, पहले हमको ये एंट्री का मतलब बताओ, फॉर फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? हिंदी बोल रहे हो अभी भी, इंग्लिश में लिखा हुआ ना, कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट। कल कोई बोला, कल या परसों बोला था टैक्स क्लास में, सेंट्रल काका बोलते रहे अनसेंट, कैंसिलेशन ऑफ शेयर, शेयर कैंसिल कर रहे, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं दिया। अच्छा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री ये तो नोट्स है अपना लिखने के लिए लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल सी नेरियर क्रेडिट टू फॉरफिटेड शेयर। आज बस एंट्री को रीडिंग करना आप घर में आके, ठीक है? उतारो उतारिए एकदम। नो, सिंस द वैल्यू इज वेरी लेस सो यू हैव टू पे द अमाउंट एट वंस। हाँ मिल जाएगा। ले सकते हो आप, क्लास परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, बस ऐप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। डायरेक्ट वेजेस सिर्फ सर्विस का लेते हैं बाबू, बात समझे ना, गलत लिया है, सिर्फ सर्विस का लेते हैं। एटी सिक्स या 87 पेजेस होगा अप्रॉक्स। आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए बाबू, बस मोबाइल नंबर भेज दीजिए, ठीक है, जिसको ऐड करना है। चले क्या? देखिए बाबू, अच्छा शेयर कैंसिल कर लिए, अब देखो शेयर कैंसिल, सुनो अभी कहानी का तरह है, शेयर कैंसिल जब कर लिए तो पुराना शेयर रख के क्या करेंगे? कंपनी शेयर को फिर से बेच देता है, और कंपनी जब शेयर को फिर से बेचता है ना बाबू, इसको बोलते हैं री इशू। क्या बोलते हैं बताइए? इशू मतलब पहली बार बेचना, और री इशू मतलब फिर से बेचना। पहला मोहब्बत को क्या बोलिएगा? इशू। दूसरा मोहब्बत को री इशू। बस अब आप लोगों में वही पुराना बात, क्या मोहब्बत करिएगा, तो आप लोग इशू कर रहे हो कि रीइशू कर रहे हो? रीइशू मतलब सेकेंड टाइम बेचना। जब कंपनी अपना शेयर को दूसरा बार बेचता है, इसको क्या बोलते हैं? इशू की रीइशू। लैंग्वेज समझिए, इशू की रीइशू। अभी जो एक बात बताइए, ये जब एसी, जब ये एसी लोन कंपनी जब ये एसी लेके जाएगा तो अपना पास रख के क्या करता था? आपको पता है बैंक वाला लोग ना बहुत कम दाम में गाड़ी एसी ये सब भेज देता, बहुत कम दाम में भेज देता है। तो कंपनी भी वही करता है, कंपनी जब आपका शेयर कैंसिल करता है ना, तो कुछ दिन बाद कंपनी वो शेयर को फिर से बेचता है, मतलब आपका राइट किसी और को दे देता है। और जब कंपनी शेयर को दोबारा बेचता है ना बाबू, प्लीज़, जब दोबारा बेचता है, इसको इशू नहीं बोलते,
क्या बोलते बोलिए री इशू, कहानी का तरह आपको बता रहे, दैट इज इशू और री इशू। तो यहां पर लिखेंगे री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। भाइयों और बहनों, री इशू का मतलब होता है सेलिंग द शेयर्स, सेलिंग द शेयर्स फॉर सेकेंड टाइम। हम शॉर्ट वर्ड में आपका मीनिंग लिखवा दे रहे, दोबारा बेचिएगा तो उसको इशू के री इशू, बोलो ना कम ऑन। अब इसका एंट्री क्या होगा भाई, इसका भी तो एंट्री पता रहना चाहिए। इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मली क्या होता है ना बाबू, नॉर्मली री इशू जो होता है ना वो डिस्काउंट में ही होता है। तो आप सोचते होंगे सर आप तो उस दिन पढ़ाए थे डिस्काउंट में शेयर नहीं बेचेंगे। देखिए डिस्काउंट में याद रखिएगा, डिस्काउंट में इशू नहीं होगा बट री इशू होगा। पुराना हो गया ना शेयर, सेकेंड हैंड सामान को बेचिएगा, सेकेंड हैंड शेयर को बेचिएगा तो ज्यादा दाम में बिकेगा ना कम दाम में, कम दाम में। बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कौन सा चीज में क्या अमाउंट बैठाएंगे ये तो सम्स करेंगे तब आप समझ पाओगे। पहले आप हमको ये बताइए री इशू का जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत? अब कौन सा चीज के सामने क्या अमाउंट बैठाएंगे वो जब सम्स करिएगा तो आप बेटर समझ पाइएगा। पहले हमको खाली ये बता दीजिए री इशू का मतलब क्या है, पहली बार बेचना कि दूसरी बार बेचना, बोलो ना। अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इशू एंड री इशू, तो इशू में यू सेल द शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड री इशू में सेकेंड टाइम सेम शेयर, वही शेयर को दोबारा बेच रहे हो। और री इशू जो होता है ना नॉर्मली, वैसे तो पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी में भी हो सकता है बट री इशू नॉर्मली डिस्काउंट में ही होता है। नॉर्मली नॉर्मली किस में होता है बाबू, डिस्काउंट उतारी। चले क्या? अच्छा अब आप लोग हमको एक बात बताइए, देखिए भाइयों और बहनों शेयर को देखिए कहानी का तरह समझिए। पहले शेयर बेचे, एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ, फाइनल कॉल हुआ, कोई बंदा बीच में फेल कर जाएगा तो कॉल सीनेरियर, फेल कर जाएगा तो उसका शेयर को कैंसिल करेंगे तो फॉरफीचर, कैंसिल करके फिर से बेचेंगे तो री इशू। अब ये कैंसिल करके जब फिर से बेचेगा तो या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो एक और एंट्री होगा और अगर लॉस होगा तो वो वाला एंट्री नहीं। तो अब सर हम कैसे समझेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा शुक्रवार, क्योंकि नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे ना कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये जानने के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट। ये कुछ चीज़ ऐसा है जो सम्स करेंगे तभी समझ आएगा। इधर देखिए, अच्छा अभी बंद कर दिया आप लोग, हम वीडियो वाले स्टूडेंट्स को बोले कि अगला दिन वेट करना होगा। इफ देयर इज प्रॉफिट, एंट्री तो आज ही लिख ले रहे ना, आज पूरा एंट्री रेडी है। बिरयानी बनाने से पहले सामान रेडी कर ली जाने, तो बीच बीच में जाके बाजार तो नहीं ले जाएगा। इफ देयर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट हो, हम लोग कैसे समझेंगे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए नेक्स्ट डे। अगर प्रॉफिट होगा तो एक एंट्री होता है, क्यूट सा एंट्री होता है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। डेबिट टू क्या बाबू, कैपिटल रिजर्व। आज मैंने आपको ये पढ़ाया कि कौन सा सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्रीज होगा। अब जरूरी नहीं कि सब एंट्री हम लोग का सम्स में काम आएगा, अब इसके अलावा भी कुछ कुछ एंट्रीज है जो सम्स के साथ हम लोग करेंगे। रिफंड है, एडजस्टमेंट है, प्रोराटा में अलग कैलकुलेशन है, वो सब सिखाएंगे धीरे धीरे। अभी बेसिक इतना के साथ हम लोग सम स्टार्ट कर पाएंगे। इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन दिस एंट्री, इफ देयर इज अ लॉस नो नीड ऑफ दिस एंट्री।
अरे स्टूडेंट लोग से उसका पैसा नहीं लेना है, वो अपना लॉस होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यू नीड टू री लॉग इन, आपको लॉग इन करना होगा फिर से, बात समझो बाबू। आइए देखिए, अच्छा पहले आप लोगों को बताइए, कंपनी पूरा पैसा एक बार में लेता है ना तोड़ के? कंपनी तोड़ के पैसा लेता है, और अगर कंपनी तोड़ के पैसा लेता है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, सेकंड को, थर्ड को, फर्स्ट कॉल, अब फोर्थ को फाइनल कॉल। अच्छा कोई पैसा नहीं देगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉल सीन एरियर, कॉल सीन एरियर। अच्छा पैसा देगा तब कैंसिल करेंगे ना पैसा नहीं देगा तब करेंगे? पैसा नहीं देगा तब कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने का लैंग्वेज क्या है, फॉर फीचर, फॉर फॉर। अच्छा कैंसिल करके शेयर रखोगे ना फिर से बेचोगे, फिर से बेचोगे तो इशू की री इशू, लैंग्वेज समझिए, इशू की री इशू। अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक लाइन लिखाना था, क्या री इशू डिस्काउंट में हो सकता है, जल्दी बताइए, क्या री इशू डिस्काउंट में हो सकता है? हाँ, इशू डिस्काउंट में नहीं होगा, उसी दिन पढ़ाए थे, क्या इशू डिस्काउंट में होगा, लेकिन री इशू डिस्काउंट में हो सकता है। ये दो तीन बात आपको अभी नोट में लिखवाएंगे। और अच्छा एक बात बताइए, री इशू करने के बाद देयर कैन बी प्रॉफिट और देयर कैन बी लॉस, प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री होगा, लॉस होगा तो कोई एंट्री होगा? नोट लिखिए, NOT नोट। अब इतना हड़बड़ाते क्यों भाई, बार बार बंद कर दे रहे कॉपी। लिखिए, कोई वेट करा क्या बारे में? देखिए लिखिए, पॉइंट नंबर वन लिखिए, इफ, नोट दे करके पॉइंट नंबर वन लिखिए, इफ देयर इज नो कॉल्ड अप वैल्यू, इफ देयर इज कॉल्ड अप वैल्यू, if there is no called up value, then consider face value, then consider कौन सा value बाबू, face value, ठीक है। अगर कॉल्ड अप वैल्यू नहीं रहेगा तो आप कौन सा वैल्यू कंसीडर करोगे बोलो, फेस वैल्यू कंसीडर करोगे बाबू, ठीक है। अब दूसरा नोट लिखिए, दूसरा नोट लिखिए, इशू कैन नेवर बी इन डिस्काउंट, इशू कभी डिस्काउंट में नहीं होगा, इशू कैन नेवर बी इन डिस्काउंट, बट री इशू, बट री इशू कैन बी इन डिस्काउंट, इशू कैन बी इन डिस्काउंट, इशू कभी डिस्काउंट में नहीं होगा लेकिन री इशू डिस्काउंट में हो सकता है, यस नो गाइस। ये सब बात लिखने का पॉइंट क्या है, आप भूल ना जाओ, बाद में रिविजन करने में आपको दिक्कत ना हो। तो रुकिए, लास्ट टाइम पूछ रहे बताइए फिर अपना अपना घर, कंपनी शेयर को क्या करेगा, एक बार में पैसा लेगा ना तोड़ के, पूरा कॉन्सेप्ट समराइज कर रहे हैं, बताइए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा कोई पैसा नहीं देगा तो क्या बोलोगे, कॉल सीन, कॉल सीन, कॉल सीन, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद बताइए, कोई बंदा पैसा नहीं देगा तो शेयर उसका रखोगे कि कैंसिल करोगे, कैंसिल को क्या बोलते, फॉर, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अच्छा फॉर फ्यूचर के शेयर रखोगे ना फिर से बेचोगे, फिर से बेचोगे तो क्या बोलोगे, री इशू करने का प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस, प्रॉफिट आएगा तो ये एंट्री होगा, लॉस आएगा तो ये एंट्री नहीं होगा। अच्छा अगर कॉल्ड अप वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो कौन सा वैल्यू लेंगे, फेस वैल्यू लेंगे। और अगर मान लीजिए शेयर को री इशू डिस्काउंट में हो सकता है, री इशू डिस्काउंट में हो सकता है लेकिन इशू कभी डिस्काउंट में नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, सम्स बनाएंगे अगला दिन।